सागरे सर, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ स्टेट बटालियन। सेक्शन 1 सेक्शन 2 फायर एंड मूव की कार्रवाई करेंगे। सेक्शन 3 डायने से फ्लैंकिंग देगा। प्लटून कार्रवाई शुरू कर। अरे मूव। अपना कमांड देने के बाद आरिफ सर आगे एडवांस करते हुए उसका बॉडी जस्ट पीछे कवरिंग फायर देते हुए आरिफ सर से जस्ट आगे पे पोजीशन लेंगे। इसी तरह से सिलसिला पूरे प्लाटून करेगी। आप शायद देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से अपनी मूवमेंट को जारी करते हुए अपना एडवांस। इस टैक्टिक्स को हम बोलते हैं मैनुअल ड्रिल। ऐसे ही फायर एंड मूव की कार्रवाई करती है। सामने टारगेट लगा हुआ है तो उसको हिट करना होता है और ये ऐसे ही पूरी प्लाटून मूव करती है। वो ऐसे जस्ट बगल में बैठे शायद आपको व्हाइट चेस्ट नंबर दिख रहा है। ऐसे ही सिलसिला कमांड देते हुए फायर स्टॉप। शुरू कर बड्डी 52। ये दोनों सर और राव सर मेजर कार्रवाई चल रही है। ये तीन पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो उस तरफ है शायद नहीं दिख पा रहा है। फायर समाप्त। मैनुअल ड्रिल ऑफ एंड्स बीजापुर छत्तीसगढ़। सेक्शन 3 फायर स्टॉप। सेक्शन 3 फायर स्टॉप। सेक्शन 2 और मैं और मेरा बड़े फायर एंड मूव की कार्रवाई करेंगे। सेक्शन कार्रवाई शुरू कर। सामने टारगेट ये टैक्टिक्स में दस फाइव करने के बाद हर पांच कदम के बाद एक राउंड करना है और आगे फॉरवर्ड होना है। सर्चिंग की कार्रवाई असिस्टेंट कमांडेंट आरिफ सर के द्वारा और उनके बड्डी 52 चेस्ट नंबर के साथ किया जा रहा है। ये दो हमारे स्टाफ हैं जो साथ जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे पोजीशन में टारगेट को हिट कर रहे हैं। एक गोली से दुश्मन का मुद्दा हासिल कर रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे हर पांच कदम के बाद एक राउंड फायर कर रहा है।
आपके नसीब आगे तो शायद आपको टारगेट भी दिख रहा होगा, टारगेट जस्ट सामने है। दौड़ के वहाँ पे नीलिंग पोजिशन बचे हुए राउंड को उस टारगेट को हिट करेंगे के उपरांत रिट्रीट की कार्रवाई होगी जो आरिफ सर के द्वारा कमांड से दिया जाएगा। हाँ सर, हथियार को मुलायजा करते हुए चेक चैम्बर रिपोर्ट का रिपोर्ट देते हुए रिपोर्ट मांग लीजिए सर। प्लाटू